नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। आज अगले आधे घंटे के लिए आप अपना सारा काम छोड़ दीजिए, क्योंकि इस आधे घंटे के दौरान हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जाने वाले हैं जिसका सच सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बस देखिए रहस्य भरी ये दुनिया और सोचिए कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। यहाँ दो मंजिला मकान बनाना अभिशाप है। यहाँ एक आंगन में दो चूल्हे जलाना सबसे बड़ा गुनाह। यहाँ एक सर पर दो मटके रखना यानी मुसीबत को दावत देना। यहाँ नाचना यानी आफत को गले लगाना। और यहाँ दोपहर बाद बैल जोकना यानी अपने गले में घंटी बांधना। जी हाँ, आप यकीन करें या ना करें, इस गांव का यही दस्तूर भी है और यही तकदीर। और जब जब जिसने भी इस दस्तूर को तोड़ने की हिमाकत की, बस यूं समझ लीजिए कि खुशियाँ हमेशा के लिए उससे दूर। कमाल यह है कि इस गांव के लिए जिसने ये सारे आयदे कानून बनाए उसे किसी ने देखा तक नहीं। वो इनके बीच भी नहीं है, पर क्या मजा जो कोई भी इस कानून को तोड़ने की हिम्मत जुटाए। दरअसल गांव के हर शख्स का यकीन है कि जिसने ये कायदे कानून बनाए वो उन्हें हर वक्त हर पल खूर रहा है। और बस इसीलिए कोई भी उन आंखों को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालांकि कुछ लोगों ने इस कानून को तोड़ने की कोशिश की थी, पर बाद में उन लोगों को या तो हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ना पड़ा या फिर उस दर पर जाकर माफी मांगनी पड़ी जिसने गांव के लिए यह कानून बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन है जिसने खास इसी गांव के लिए ऐसे तमाम कानून बनाए जिनकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। आखिर वो कौन है जिससे पूरा गांव खौफजदा है, और आखिर क्यों उसने खास इसी गांव के लिए ऐसे अनोखे कानून बनाए? तो इन तमाम क्यों का जवाब दूं, उससे पहले आपको बता दूं कि ये गांव उसी हिंदुस्तान का हिस्सा है जहां हम और आप बसते हैं। फर्क बस इतना है कि नक्शे में तो ये गांव हिंदुस्तान में है, लेकिन गांव के तमाम कायदे कानून पूरे देश से जुदा है। बस यूं समझ लीजिए कि यहाँ का कानून, अदालत और इंसाफ तीनों सिर्फ एक शख्स के हुक्म पर चलता है, और इसीलिए यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो बस देखिए, जानिए और समझिए कि आखिर क्यों और कैसे ये गांव हिंदुस्तान के तमाम दूसरे गांव से जुदा है, और क्यों इस गांव का हर शख्स खौफ सदा है।